यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है कि इसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है, उसका भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको रेडमी को एकदम मस्त वाला सॉल्व करना पड़ेगा। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों Redmi Note 7 Pro में एक अपडेट आया, तो ये अपडेट हम लोग करने वाले हैं। ये अपडेट आपका 650 MB के अराउंड है, तो देखते हैं इसमें काफ़ी सारे फीचर शो कर रहा है। तो मेन इसमें क्या है कि ये फ़ोन वैसे तो सब कुछ परफेक्ट है, मेन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें क्या हो रहा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम कैमरा लैग करता है, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ ना बाहर आ गए हैं और इसको अभी अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपडेटिंग चल रहा है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे होंगे इस टाइम मैं अपडेट कर ही रहा हूँ। तो ये अपडेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारा फ़ोन दोस्तों अपडेट हो चुका है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ 20 फोटोज़ क्लिक करने जा रहा हूँ, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करूँगा। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, एक्चुअली 10:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फोटोज़ को क्लिक करेंगे 15-20, उसके बाद हम लोग छोटी सी रिकॉर्डिंग करेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, सुबह का टाइम है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं क्या कैमरा लैग हो रहा है, क्योंकि यही मेन प्रॉब्लम है। तो अभी मैं अगर आपको डिवाइस का टेम्परेचर चेक कराऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास 39 डिग्री स्क्रीन टेम्परेचर है, और उसके बाद हमारे पास बैक टेम्परेचर भी 39 है। अगर हम लोग कैमरे का टेम्परेचर चेक करें तो 39.8 डिग्री है। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉर्मल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यहाँ हमारे पास 36.7 डिग्री। तो अभी हम लोग फोटोज़ क्लिक करना शुरू करते हैं, और ये मैं कर रहा हूँ यहाँ से फोटोज़ क्लिक, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास फोटोज़ क्लिक हो गई हैं, लगभग 20 फोटोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। और इसके बाद अभी मैं 5 मिनट की सिर्फ रिकॉर्डिंग चेक करूँगा, और उसके बाद देखेंगे क्या इसका स्टेटस है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 मिनट की। तो यहाँ पे हमारे पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है अभी 30 सेकंड। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट नहीं, सिर्फ 3 मिनट ही वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास रिकॉर्डिंग हो चुकी है 1 मिनट 50 सेकंड, और अभी से क्या हो रहा है कि मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है लैग वाली, यानी कि जो वीडियो है स्मूथ नहीं बन रही। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिर्फ 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी, लेकिन यहाँ पे और 20 फोटोज़ क्लिक की थी मैंने, जैसा आपको बताया। लेकिन अभी से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनका अपडेट काम का नहीं है, अभी से क्या हो रहा है कि इसकी वीडियो जो है स्मूथनेस खत्म हो चुकी है, लैग होना शुरू हो गया। फुल HD वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेक करा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको टेम्परेचर चेक कराने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैक टेम्परेचर चेक करें तो 42.4, और कैमरा टेम्परेचर हमारे पास 45 डिग्री तक आपके सामने है, यहाँ पे ये हमारे पास 44 डिग्री। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है 41 डिग्री, तो 44 तक जा रहा है। यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है ना फ़ोन का, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है Redmi के Note 7 Pro से। यहाँ पे टेम्परेचर इसका 45 चला गया, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था, अपने गैलेक्सी A7 से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसका भी टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना इसका, यहाँ पे मैं चेक करके बताता हूँ आपको, इसका टेम्परेचर भी 44 डिग्री तक जा चुका है कैमरे का, और वो 45 तक जा चुका था। यानी कि यहाँ पे क्या दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऊपर चला ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है कि इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, उसका भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको रेडमी को एकदम मस्त वाला सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि और क्या कहूँ मैं। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि Redmi Note 7 Pro से क्या कर रहा हूँ वीडियो को, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के स्मूथनेस है इसमें, किस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे ये था, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Redmi ने अपडेट तो दिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी कैमरा वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई। तो अभी आपने देख लिया होगा कितना फ़र्क आ रहा है। अभी मैं अपने वाले दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ज़्यादा तो जा रहा है, लेकिन वीडियो इतनी लैग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसकी स्मूथनेस चेक कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये वाला कितना स्मूथ बना रहा है, और अभी जस्ट आपने पहले चेक किया होगा उसकी स्मूथनेस, तो आप फ़र्क देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मैं आपको क्या करता हूँ, जो भी सच होता है ऑनेस्टी के साथ अपना रिव्यू देता हूँ, ताकि आप बेहतर डील कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।